दिल्ली से जहां पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, इसी प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो आपको बता दें, इस तरह से दरियागंज में भी हिंसा की खबर सामने आई है और इसी के चलते 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी पुलिस की हिरासत में है। चंद्रशेखर के प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही थी, पुलिस ने चंद्रशेखर के प्रदर्शन में जाने पर फिलहाल रोक लगाई, अब हिरासत में ले लिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के दरियागंज इलाके से एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दरियागंज में हिंसा के मामले में 15 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चंद्रशेखर के प्रदर्शन पे जाने पर भी पुलिस के द्वारा रोक लगाई गई थी, लेकिन अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो आपको बता दें कि इस तरह से लगातार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के दरियागंज इलाके में भी ये प्रदर्शन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं, तस्वीरें दरियागंज इलाके की हैं, जहां पर पुलिस ने 15 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। हिंसा भड़काने के आरोप में इन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमल कौशिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है, अगर दरियागंज की बात की जाए तो अभी तक पुलिस ने कार्रवाई भी की है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, हिरासत में लिए गए हैं चंद्रशेखर। ये भी आपको बताते हैं नीतू और दर्शकों को भी जानकारी देते हैं कि पहले से ही दिल्ली पुलिस ये सोच रही थी कि अगर चंद्रशेखर अगर इस प्रदर्शन में शामिल होता है तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में फिलहाल लिया गया। ये भी आपको जानकारी देते हैं कि भीम आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आजाद और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले चंद्रशेखर ने खुद ही ट्वीट भी किया था, देखिए उनका ट्वीट भी देखा गया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, साथियों संघर्ष करते रहना और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहना, जय भीम जय संविधान, ये उनका ट्वीट था। और उसके बाद वो जामा मस्जिद गए और देखिए वहां पर जब गए वो ये भी देखा गया कि पुलिस को थोड़ा चकमा दिया गया। पुलिस कोशिश कर रही थी कि जैसे ही चंद्रशेखर वहां पहुंचे तुरंत फिर हिरासत में लिया जा सके। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि चंद्रशेखर ने गुरुवार को घोषणा की थी पहले ही, यानी कि शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ और चंद्रशेखर ने गुरुवार को ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली के जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकालेंगे। पुलिस इस तैयारी में भी थी कि चंद्रशेखर को पहले ही हिरासत में लिया जाए, ताकि जो भीड़ कल आपने देखी भी थी बहुत ज्यादा जामा मस्जिद के बाहर, चंद्रशेखर पुलिसकर्मियों को झांसा देकर जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और पुलिस यहाँ देखा गया घंटों तक हिरासत में लेने के लिए उनकी तलाश भी करती रही। भीम आर्मी के एक प्रवक्ता ने भी कहा कि करीब 3 घंटे तक हमने भी समझा कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन करीब 4 बजे तस्वीर भी सामने आई, जामा मस्जिद के भीतर वो नजर भी आए और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी वहां पर और यहाँ तक कि शाही इमाम ने सभी को संबोधित किया और बताया कि आजाद हमारे मेहमान है, यानी कि जो इमाम के अंदर उन्होंने सबको संबोधित किया कि चंद्रशेखर आजाद मेहमान है। और इस तरह उन्होंने अंदर संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी है और जैसे कि तमाम तरह के जो विपक्षी नेता है और जो विरोध करने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जो मूल सिद्धांत है संविधान का उससे छेड़छाड़ की गई है इस कानून के जरिए, आर्टिकल 14 इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इस तरह की बातें चंद्रशेखर आजाद ने मस्जिद के अंदर भी कही है और इसलिए जिस तरह इजाजत नहीं दी प्रदर्शन करने की उसके बावजूद प्रदर्शन किया गया, इसी वजह से हिरासत में चंद्रशेखर को लिया गया। जी, हालांकि चंद्रशेखर ने जैसा आपने बताया कि पहले भी ट्वीट कर उन्होंने ये प्रदर्शन की बात कही थी और अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन और ये बवाल और तेज हो सकता है? कमल, देखिए जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है उससे तो ऐसा ही लगता है। देखिए उनके ट्वीट को अगर ध्यान से देखिए, आप गहराई में जाएं इस ट्वीट की, तो उन्होंने कहा है कि साथियों संघर्ष करते रहना और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट रहना, जय भीम जय संविधान। अब ऐसे में ये ट्वीट ही उनके समर्थकों के लिए है, खास कर ये उन्होंने ये मांग भी किया कि सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए, वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। ये पहले का ट्वीट है 21 दिसंबर और ये 20 दिसंबर का ट्वीट है, माफ कीजिएगा दोपहर का, गिरफ्तारी होने से हिरासत में लेने से पहले का। और ऐसे में उन्होंने अब संकेत दे दिया अपने समर्थकों को कि जो प्रदर्शन है वो करते रहें
और संविधान की रक्षा के लिए कथित तौर पर जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और साफ तौर पर लग रहा है कि अभी भी अपने समर्थकों को कहना चाहते हैं कि प्रदर्शन ऐसे ही चलते रहे, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और जामा मस्जिद में जो वो सबने देखा जुम्मे की नमाज दौरान अता की जानी थी, उससे पहले प्रदर्शन शुरू की गई। चंद्रशेखर ने भी वहां पहुंचकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ाई और इसलिए शांति भंग करने और साथ ही दूसरे तरीके से भी प्रदर्शन को बढ़ावा देने के एवज में ही हिरासत में लिए गए हैं चंद्रशेखर। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। इस तरह दरियागंज में 15 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की ओर से, जिसमें भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर भी पुलिस की हिरासत में हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने हालांकि ट्वीट करके ये जानकारी भी दी थी कि इस पर संघर्ष करते रहना साथियों।